बंबई का प्रातः क्लास चल रहा था, इक्कीस अक्टूबर 1963 सोमवार, छठे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। देखो तुम मुखवंशावली बने हो ब्रह्मा की। कौन? तुम, ये नहीं, वो नहीं, कौन बने हो? तुम बने हो। तुम किससे कहा जाता है? सन्मुख वालों से कहा जाता है। तुमको बाप सारा परिचय देते हैं, इनको नहीं देते, उनको नहीं देते, तुमको देते हैं और सारा राज समझाते रहते हैं। तो अभी अपने दिल से पूछो कि हमको नशा है कि हम विश्व महाराजन बनेंगे, किस आधार पर है? तुमको सारा परिचय मिलता है, सारा राज तुमको मिलता है। अभी कोई विश्व महाराजन है? ढाई हजार वर्ष में भी कोई विश्व महाराजन होते हैं? इसको कैसे मिली विश्व की महारानी? और विश्व के महाराजन का पद? इन्होंने किसी से लड़ाई की क्या? क्योंकि लड़ाई करने के बाद राजाई मिलती है, राजधानी जीतते हैं। इन्होंने कोई से इनहेरिटेंस लिया क्या? किन्होंने इनहेरिटेंस माना उत्तराधिकार कोई से लिया क्या? इन्होंने कोई से उत्तराधिकार नहीं लिया। और सत्यजी राजन उत्तराधिकार लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं, लेकिन इन्हें विश्व महाराजन ने कोई से उत्तराधिकार नहीं लिया। तो इसने कौन सा कर्म किया? इसने कहकर किसका तरफ इशारा किया? इसने है? चित्र की तरफ इशारा किया, बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था। लाइट के घेरे के अंदर वो चित्र रहता था, वो ज्ञान की लाइट में रहने वाले थे, जिनकी यादगार में आज भी उनका नाम क्या रखा है? नारायण, जिनका शास्त्रों में गायन है, मंदिरों में पूजन होता है। नार माने ज्ञान जल में रहने वाले, आयन माने घर है। तो इसने कौन सा कर्म किया जो इतने बने? किसने वो कर्म सिखलाए? इनका माँ बाप कौन था? इनका है विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण का माँ बाप कौन था?
कोई था या नहीं था? अरे हैं? शिव बाबा, वो माँ भी और बाप भी। शिव बाबा आत्माओं का बाप है या शरीरधारियों का बाप है? और माँ बाप? माँ बाप तो शरीरधारी होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो शिव को बाप ही कहेंगे। किसका बाप? आत्माओं का बाप। कोई भी देहधारियों का बाप नहीं कहेंगे। अब बताओ, इनका कोई बाप था? कोई टीचर था? कोई गुरु था? किनका है? इनका कहकर के किस तरफ इशारा किया? विश्व महाराज लक्ष्मी नारायण की तरफ चित्र में इशारा किया। ऐसे नहीं ब्रह्मा के लिए बोला। अभी तुम जान गए हो ना? इनका कौन है? अरे इनका कोई दुनिया में है या नहीं है? हैं? इन्होंने कोई से पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? हैं? किससे पढ़े होंगे? माना अंदाजिया है, पक्का नहीं है। इनका है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी बच्चों को कितनी अच्छी समझाने मिलती है, और वो समझाने बिल्कुल रोज रोज मिलती है। परंतु यहाँ जो बैठ करके समझते हो ना, जब तक तुमको ये बैठ करके रोज डोज पिलाते रहते हैं, इस समय में तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो बेचारे कुछ भी न समझते हो, उनको हरेक को भी बहुत मीठा लगता है। नहीं समझते हैं तो भी बहुत मीठा लगता है, परंतु इस समय का नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं ना, जैसे वो बच्चा होता है, गर्भ जेल से निकलता है, तो अंजाम करता है, बाबा हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, गर्भ के अंदर रहता है तब तक ऐसे अंजाम करता है, और बाहर निकलने से वहां की वहां ही रह जाती है। क्या? जो अंजाम किया वो भूल जाता है। तो इन बच्चों में भी कोई ऐसे हैं? कैसे है? अभी ज्ञान गर्भ में है या ज्ञान गर्भ से बाहर आ गए हैं? ज्ञान गर्भ में ही है। बाबा सब के लिए नहीं कहेंगे। यहां से सीढ़ी नीचे उतरे, बस ये समझाई हुई सारी बातें उड़ जाती हैं। ऐसी उड़ जाती हैं कि कोई को भी समझा नहीं सकते। भला क्यों? जब कुछ सुना जाता है तो कोई को सुनाने के लिए सुना जाता है ना।
जाते हैं कथा सुनने के लिए? किस लिए जाते हैं? सिर्फ अपने लिए जाते हैं? नहीं, औरों को भी तो सुनाना चाहिए ना। किसको घर में जाकर के सुनाना चाहिए? कोई कुछ भी नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि वहां से सुना और बाहर में जाते खलास हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे हैं, परंतु यहाँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये तो रूहानी स्टडी है, जिस्मानी स्टडी नहीं है। क्या अंतर होता है रूहानी और जिस्मानी स्टडी में? जिस्मानी स्टडी है एक जन्म के लिए, और ये रूहानी स्टडी है जन्म जन्मांतर के लिए। तो बाहर जाकर के भूल जाना चाहिए क्या? परंतु बहुत ऐसे निकलते हैं जो अच्छे मीठे लाडले बच्चे हैं, वो सदैव नोट्स लेते हैं, और नोट्स लेकर के फिर कोशिश करते हैं कि अच्छा रात को भी हम जा करके फिर ये बाबा की मुरली सुनूं। इसलिए ये टैप्स बनाए हैं। देखो कितना खर्चा है टैप बनाने के ऊपर। पहले सन 63 में जो टैप तैयार होता था, इतना सस्ता नहीं था, बड़ी डेग लेनी पड़ती थी। उस बड़ी डेग में बड़ा चकला घूमता था, ढेर सारी टैप उसमें इकट्ठी होती थी। तो टैप्स मिलते ही नहीं हैं, और एडवर्टाइजमेंट भी कर नहीं सकते हैं। तो जिससे लेंगे ना, गवर्नमेंट आकर के पूछती है ये टैप कहाँ से लिया, वहां से चोरी का तो नहीं लिया? इस टैप का बिल दिखाओ। बिल नहीं बताएंगे तो जब्त कर लेते हैं। जरूर तुमने कहां से कोई चोरी करके उठाया है, या कोई चोर वालों से खरीदा है? 21/10/63 सोमवार की वाणी का 7वां पेज। तो बिल चाहिए। अभी देखो यहां चाहिए तो बहुत टैप्स, दर्जन भर तो अभी चाहिए, परंतु दर्जन भर टैप्स से बात थोड़ी ही बनती है। टैप का मूल्य कितना है? 1500 डजन, तो कितना हुआ खर्चा? 15,000, 20,000, 25,000 भी होता है, परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। शिव बाबा के आगे कुछ महत्व थोड़े ही है। किसका टैप कितना भी कॉस्टली हो, शिव बाबा की वाणी के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु मिलते ही नहीं है। अगर कहीं से आ जाते भी हैं
बिगर बिल के तो जूती भी पड़ती है, डंडे भी पड़ते हैं, फलाना भी पड़ता है। बात मत पूछो। अच्छा, अभी बाप ने कहा ना बच्चों को चाहिए तो दो दो दफा सुने, तीन दफा सुने, जो जितनी भी फुर्सत हो, क्योंकि सुनने के लिए 10 घंटे भी चाहिए। माताओं को तो घर में बहुत फुर्सत है, कन्याओं को तो सबसे जास्ती फुर्सत है ना? कैसे हैं? अच्छा, जब सुबह को ऑफिस में जाते हैं 10 बजे जाएंगे, 8 घंटा काम करते हैं, चलो 8 घंटा, एक सतो, एक रजो, एक तमो, ऐसे भी तो होते हैं ना, एक उत्तम, एक मध्यम, एक कनिष्ठ। तो ये सहज करके समझ जाएंगे कि इसमें उत्तम पुरुषार्थी कौन कौन है, मध्यम कौन है और कनिष्ठ कौन कौन है। तुम ये जान जावेंगे। बाबा कहते हैं उत्तम बनो, टाइम तो बहुत पड़ा है। जिनको पुरुषार्थ करना है, सुबह को जाओ, ये तुम्हारी सर्विस पर है। शाम को आकर के सुनो, 8 बजे जाओ, 9 बजे जाओ, फिर अपन को रिफ्रेश करो, कुछ धारणा हो जाए। अब जो पुरुषार्थ करेगा वो ही पाएगा। अच्छा, अभी बाबा ने समझाया ना, तुम विश्व के ऐसे मालिक बनते हो। देखो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, सतयुग के लक्ष्मी नारायण भी नहीं, कौन से लक्ष्मी नारायण, विश्व के मालिक राम सीता भी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट नहीं। ये बच्चे कहते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, हम क्यों ना पास होंगे, तुम अपने दर्पण में देखते रहो कि कोई रावण का नशा तो नहीं है। कौन से दर्पण में है? मन में जो ज्ञान की बातें चलती है ना, वो मन दर्पण भी कहा जाता है। ये ज्ञान का दर्पण है। देखो नारायणी नशा है, रावण का नशा तो नहीं है ना? अभी बच्चे रावण की बातें तो जानते हैं कि कौन से नशे होते हैं, राम के नशे और रावण के नशे, सो तो बच्चे जान गए। या तो नारायणी नशा या तो आसुरी नशा, तो वो नशा चाहिए। बाबा घूमने जाते हैं तो भी अंदर में नशा तो रहता है ना, कि देखो हम विश्व के महाराजा बनेंगे। उस समय में बॉम्बे बॉम्बे नहीं रहेगा, इस समय में हैं? अरे जब बाबा चक्कर लगाने जाते हैं, घूम
करने जाते हैं। कौन से बाबा की बात की हैं? कौन से बाबा की बात की कि विश्व महाराजन बनेंगे हैं? अरे बाबा को अंदर में नशा रहता है कि हम विश्व के महाराजा बनेंगे। उस समय में बॉम्बे बॉम्बे नहीं होगा। किस समय में है? जब घूमने जाते होंगे तब है। बहुत थोड़े होंगे। उस समय विश्व के ये महाराजन बनेंगे। जब लक्ष्मी नारायण सीताराम बनेंगे ना, तो उस समय बहुत होंगे। होंगे क्या है? राम सीता बनेंगे तो बहुत होंगे क्या? नहीं, फिर भी जितने थोड़े विश्व के महाराजा उतने अच्छे। क्या कहा? थोड़ा विश्व और बड़ा विश्व क्या है? ये किस तरफ इशारा किया है? अरे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तो 40 जब पूरे होंगे तो थोड़ा विश्व होगा उनका या बड़ा विश्व होगा? कितना होगा? अरे कितना थोड़ा होगा? 8 का ही एक परिवार की इकाई होगी। तो उस समय बहुत अच्छा लगेगा या जब बड़ा विश्व हो जाएगा तब अच्छा लगेगा? तो बच्चों को हमेशा ऊंच पुरुषार्थ करना चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट होते हैं तो भी हमेशा पुरुषार्थ होता है कि मैं मॉनिटर बनूं, अर्थात पास विदानर बनूं। तो तुम बच्चों को भी यहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या कहा? ये पास विदानर की बात क्यों बताई? इशारा दिया ना, जो छोटा विषय होगा उसमें तुम बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये तुम्हारा पुरुषार्थ फिर कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाता है। इसलिए बाबा ये कहते हैं वो स्कूल का मॉनिटर बनना है, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ये अभी कल्प कल्प का बनेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत पूरा चाहिए। एकदम पुरुषार्थ में लग पड़ना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए तो भले जाकर के माथा मारें, धंधा करें, व्यवहार करें, वो घर वाले का कल्याण होगा। बाल बच्चा संभालें और रोटी पकावें, परंतु बोलते हैं एक तो कमल फूल के समान पवित्र रहो और दूसरा ये पुरानी दुनिया है, इसमें ममत्व क्या लगाना है? पुरानी जूती में ममत्व क्या लगाना है? पुरानी आत्मा में ममत्व क्या लगाना है? ममत्व लगाना है एक शिव बाबा से, जिसको याद करने से हम बिल्कुल ही प्योर हो जाएंगे।
हमारी ज्योत बिल्कुल ही जग जाएगी, ये बैटरी ढीली हो जाती है। तो बैटरी को भी फुल करने के लिए मशीन में डालते हैं ना, तो ये भी तुम्हारी आत्मा की बैटरी ऐसी है। तुम्हारी आत्मा की जो बैटरी है ना, ये एकदम बिल्कुल डल हो गई है। ऐसे नहीं है कि उद्यानी हो गई है क्या? विदेशियों की आत्मा की बैटरी, विधर्मियों की आत्मा की बैटरी, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी बैटरी और तुम्हारी बैटरी में क्या अंतर है? है? अरे अभी तो बताया, तुम्हारी बैटरी एकदम डल हो गई है। ऐसी नहीं है कि वो ज्ञानी हो गई है, नहीं, बाकी थोड़ी, एकदम थोड़ी। देखा है कभी दीवा जब पिछाड़ी को होता है तो थोड़ी चिंगारियां रह जाती है, फिर उसमें तेल डालो तो जाग जाएगा, क्योंकि ये आत्मा एकदम ठंडी नहीं हो जाती है, एकदम पत्थर नहीं हो जाती है, कुछ रह जाती है। तो ज्योति जगाने वाला हुआ ना, तो हे सजनियों, अब नवयुग आया, जागो, अभी अपनी आत्मा की बैटरी को फुल भरो। किससे भरो? है? अरे कोई तरीका है? योग से भरो। योग भी सहज राजयोग हो या कठिन हो? सहज राजयोग। योग से तुम्हारी आत्मा भर जाएगी। अच्छा अब बच्चों से विदाई, अभी टोली ले आओ। हाँ, शिव बाबा का गीत सुनाओ। तुम समझते हो ना, बाप और दादा दोनों आपस में बात करते हैं, वो भी करते हैं और वो भी करते हैं, वो भी समझते हैं और समझाते भी हैं। इसमें दोनों हो गए ना, इसलिए इसको कहा जाता है बाप दादा, क्योंकि बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ करके शास्त्रों का राज समझाएंगे। तो उनको ब्रह्मा में आना पड़े ना, और फिर बताते हैं ये ब्रह्मा का ही गाया हुआ है, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात। इक्कीस दस त्रिशक्ति वाणी का आठवां पेज। कहना तो सहज है परंतु कोई जानते थोड़े ही हैं। क्या नहीं जानते हैं? अरे ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा का रात क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है? क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होती है? है? सतयुग त्रेता में ब्रह्मा का दिन कहें, क्यों नहीं कहें? हैं? वहां ब्रह्मा
होता ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा की रात नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ भी ब्रह्मा नहीं होता है, तो कहाँ की बात है। समय संगम युग में ब्रह्मा की अंधियारी रात भी होती है, जबकि ब्रह्मा की आत्मा में अज्ञानता ही अज्ञानता भरी होती है। जब अज्ञान का सोजरा हो जाए तो क्या कहा जाए, ब्रह्मा का दिन। फिर ब्रह्मा सो क्या बन जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु। तो जानते नहीं है कि ब्रह्मा ऊपर वाला, सूक्ष्म वतन वाला, उनका दिन होता है या साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा का दिन होता है, रात होती है। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं, है? जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बन गया उसकी दिन और उसका रात होती है, परंतु ऐसे है नहीं। सूक्ष्म वतन में तो रात होने का सवाल ही नहीं, वहां तो लाइट ही लाइट, तो कहां की बात है। इस समय एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ का होगा ना, परंतु ये थोड़े ही कोई विद्वान आचार्य समझते हैं क्या, कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन का होगा या साकार दुनिया का होगा। उनके भी डंबे में ठीकरियां भरी हुई, समझा ना। वो भी इसलिए कि वो भी अभी ठिकर के बर्तन है, काहे के बर्तन है, ठिक करके क्यों कहा है? अरे ठोकर मारेंगे, माया की ठोकर लगती है तो क्या हो जाता है, ठिककर माने मिट्टी का ढेला, उसमें ठोकर लगे तो क्या होता है, बिखर जाता है। किसकी बात हो रही है, है? अरे ये बात किसकी हो रही है कि वो भी अभी ठीक करके हैं। कौन? सिर्फ ब्रह्मा की बात है, है? सभी गुरुओं की, आचार्य विद्वानों की बात है कि सब के जो बर्तन हैं, कौन से बर्तन, शरीर रूपी बर्तन ठीक करके बने हुए हैं। अच्छा, फिर ऐसा कौन है जिसके बर्तन ठीक करके नहीं बने, है? कोई है जिसका बर्तन ठीक करके नहीं बना हुआ है? माया की ठोकर लगने से टूटने वाला नहीं है। किसकी बात हो रही थी, है? ब्रह्मा का भी बर्तन क्या कहेंगे दादा लेखराज का, ठिक कर का बर्तन था, इसलिए थोड़ी माया की ठोकर लगी और बिखर गए, खलास हो गए। तो प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताए, वो धर्मगुरु भी पवित्र रहते हैं ना, इसलिए जो अपवित्र हैं वो उनको माथा टेकते हैं, तो कन्याओं को भी टेकते हैं। जो कन्या होती है उनको भी तो माथा टेकते हैं। कन्या और कुमार को हम रावण नहीं कह सकते, क्या कहा,
है? रावण नहीं कह सकते? अच्छा अच्छा, दुर्योधन दुशासन कह सकते हैं कुमार को? अरे कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये क्या बात हुई? रावण संप्रदाय की लिस्ट में दुर्योधन दुशासन नहीं है? माना जब कुमार कहा तो जीवन में कुमार ही होना चाहिए क्या? कुमार और कुमारी का कुमारित्व जीवन में टूटना नहीं चाहिए। तो बताया कि रावण बनने के लिए तो युगल चाहिए ना, इसका मतलब 100% कुमार विरले मिलेंगे या आज की दुनिया में सारे ही कुमार होंगे, युगल नहीं होंगे है? अगर कहीं संसर्ग संपर्क हो गया तो उन्हें युगल कहेंगे या कुमार कहेंगे? युगल हो गए। तो बताया कि रावण बनने के लिए तो युगल चाहिए, 10 शीश चाहिए। 10 शीश बनते हैं तब जब शादी करते हैं। शादी की व्याख्या क्या बताई मुरली में? नहीं, शादी माना विकार में जाना, ये सिर्फ ढोल मजीरा बजाना है? ढोल मजीरा बजाने को शादी नहीं कहा जाता। विकार में गिरे तो जैसे शादी हो गई, विकार में जाते हैं ना, तो फिर उनको कहा जाता है रावण की संप्रदाय। जब बच्चे हैं तब पवित्र हैं, फिर भी ऐसी संप्रदाय बन जाएगी तो इसको कहा जाता है रावण संप्रदाय अथवा आसुरी संप्रदाय। महिमा तो एक की है, क्यों? बोलो, महिमा एक ही क्यों है? वो न होता तो ये जो लक्ष्मी नारायण थे जो अभी कब्र दाखिल हैं, उनको जगावेगा कौन? तो सबको, ये लक्ष्मी नारायण को भी ईश्वर का सुख देने वाला कौन? वो बाप, ये भारत को पावन बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप। तो एक की ही महिमा हुई ना, दूसरे कोई की भी महिमा नहीं है। बाकी पाई पैसे की महिमा तो नंबर वार बहुत होती है, हर एक की नंबर वार महिमा होती है, किनकी बहुत किनकी थोड़ी, किनकी बहुत थोड़ी, इनकी कोई इतनी महिमा नहीं है, किनकी हैं? किसकी तरफ इनकी कह के इशारा किया हैं? ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है कि दुनिया में कोई इनको मानते ही नहीं है। इनको ब्रह्मा को मानते हैं, दुनिया में तो नहीं मानते हैं, भक्ति मार्ग में न मंदिर बनाते हैं, न मूर्ति बनाते हैं, न याद करते हैं, कोई जानते ही नहीं है, तो मनावे कैसे? अभी हम गाते हैं परंतु शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जानते थोड़े ही हैं। ये क्या बात हुई?
हम गाते तो हैं, तब की बात बताई, 73 की 63 की बात बताई, क्या कि अभी हम गाते तो हैं महिमा, परंतु शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जानते थोड़े ही हैं, नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत में भी अगर लिंग है तो ये जो इनको तो कोई कहेंगे नहीं, क्या इनको नहीं कहेंगे? भारत में मंदिरों में जो लिंग बना हुआ है वो लिंग इनको नहीं कहेंगे, किनको? ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? शिवलिंग कहा गया, शिवलिंग कहा गया, तो शिव ब्रह्मा में प्रवेश नहीं है? अरे है निराकारी निरहंकारी निर्विकारी नहीं बनाया, इनको क्यों नहीं कहेंगे? लिंग क्यों नहीं कहेंगे इनको? ये भी ठीक है, लिंग माने पुरुष और ब्रह्मा तो माँ का पार्ट है। वो कहेंगे माँ कहाँ था, वो तो दाढ़ी मूछ वाला था, तो लिंग नहीं कह सकते हैं? अरे दाढ़ी मूछ वाला लिंग कहने से लिंग साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है उसका आधार कौन है, कहाँ रखा हुआ है? है निराकारी में रखा हुआ। जलाधारी तो साकार होती है या निराकार होती है? साकार जलाधारी में रखा हुआ है। तो ब्रह्मा को ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट था क्या? है नहीं था, उनकी बुद्धि में तो ये बात ही नहीं थी कि शंकर पार्वती की तरह प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि से निवृत्ति कैसे हो जाती है। बुद्धि लगातार निराकारी स्टेज में रहे, और बुद्धि मन बुद्धि जब निराकारी स्टेज में रहेगी तो लिंग इंद्रिय निस्तेज होने का नाम लेगी क्या? है क्षरित होगी, पतित होगी, शक्ति नीचे क्षीण होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, अरे किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं अमोघ वीर्य। समझा ना? परंतु नहीं, पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हैं? अरे लिंग की पूजा करते हैं ना। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। तो जो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है वो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है। कैसे पवित्र है? है? नहीं, शंकर जी की मूर्ति लिंग तो है, परंतु लिंग रूप में पूजी जाती है
और कोई कर्मेंद्रिय के रूप में नहीं पूजी जाती। शंकर की मूर्ति तो बनाते हैं परंतु पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? लिंग की पूजा होती है। तो जिस लिंग की पूजा होती है उसे शिव शंकर कह के पुकारते हैं या शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कह के पुकारते हैं? शिव शंकर कह के पुकारते हैं। इसे साबित होता है कि प्रैक्टिकल पार्ट है, निराकारी होते हुए भी प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया है। वैसा पार्ट 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी नहीं है जो कामेंद्रिय से ऐसा पार्ट बजा सके। इसलिए और देवताओं की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, हस्तकमल, परंतु शिव बाबा की सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। तो देखो वो स्वयं आकर के इस बात को समझाते हैं। कौन? शिव स्वयं आते हैं, कोई तन्मय मुकर्र रूप से आकर समझाते हैं या टेम्परेरी तन्मय आकर के समझाते हैं इन बातों को? ब्रह्मा का तो टेम्परेरी रथ था, वो खुद ही नहीं समझते थे। समझते थे या सन्यासियों की रचना कर दी? सब सन्यासी हैं, सूर्यवंशियों के अलावा। चंद्रवंशी जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो इस समय सन्यासी हैं या उनको पक्का गृहस्थी कहें? वो भी सन्यासी और धर्म वाले तो सन्यासी होते ही हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो स्वयं आकर के बाप समझाते हैं इस राज को, फिर भी कहना तो सबको पड़े ना कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। क्या कोई समझे या न समझे परंतु कहते क्या है? किसको याद करो? शिव बाबा को। क्यों भाई? शिव बाबा को याद करो ये क्यों कहते हैं? शिवलिंग को याद करो ऐसे क्यों नहीं कहते? अरे पार्ट बजाते हैं तो क्या मुख से पार्ट नहीं बजाते? आंख से पार्ट नहीं बजाते क्या? कहते हैं नैनों पर बिठाकर तुम बच्चों को ले जाऊंगा, तो पार्ट तो बजाते हैं ना। कान से सुनते नहीं है क्या? आना जाना नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, बोला है जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे, और बाप दादा में शिव बाबा आते हैं। तो इसका मतलब है काम तो सभी इंद्रियों से करते हैं परंतु पूजा सिर्फ लिंग की ही होती है। फिर भी कहा यही जाता है क्या करो? शिव बाबा को याद करो। अगर हम उनको कहें कि नहीं परमात्मा को याद करो तो समझा नहीं क्या? परमात्मा को याद करो ये कहें तो क्यों नहीं समझा? हैं? परमात्मा का नाम चाहिए ना, नहीं चाहिए? क्या नाम? शिव। हाँ शिव तो बिंदु का नाम है। बिंदु कैसे इंद्रियों से पाठ बजाएगा?
बिंदु को साकार होना पड़े तो हाथ उठाओ। वहां बच्चों के पास आती है बच्ची, यहां एक बच्ची शायद देती है जो वो नहीं देती है, देरी पड़ जाती है। मैं तो ये बातें रोज रोज बोलता हूं। क्या शिव बाबा को याद करो, रिकॉर्ड चला, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। देखो ये उनकी महिमा है। अरे इसके तने में बोला, क्यों नहीं कहा ये मेरी महिमा है, क्यों नहीं कहा इनकी महिमा है जिनके बाजू में बैठा हुआ है, क्यों कहा उनकी महिमा है, हैं? हाँ, वो 63 के पार्ट की बात नहीं है जिसकी महिमा है, जो आने वाला भविष्य का पार्ट है वो समुकरर रथ की बात है। जिनकी महिमा है वो इनको भी तो मीठा बनाए रहे हैं, इनको जिनकी महिमा नहीं है उन ब्रह्मा को भी वो मीठा बनाए रहे हैं और बहुत मीठा बनाते हैं। इसको ब्रह्मा को देखते हैं कि बहुत मीठा है ना, तो तुम सबको भी मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। क्यों? क्योंकि दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, मरेंगे मरेंगे मरेंगे। अभी ये साप नहीं देते हैं, क्या दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, ये कोई श्राप नहीं देते हैं। अच्छा, ये तो बाप समझाते हैं कि ऐसा ना करो, हैं? कैसा? अरे लाल पीली आंखों से कोई को मत देखो, कुछ मुख से दुर्वचन ना निकालो। बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। अच्छा, कोई बार बार गलतियां करता रहे तो हम उसे लिप साफ करते रहें, मक्खनबाजी करते रहें, मीठा मीठा बोलते रहें, नहीं थप्पड़ मार दें, है? क्रोध कर दें, हाँ क्या करें, हैं? बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो, तुम्हें इस भारत को बहुत मीठा बनाना है। क्या समझा? स्वर्ग तो मीठा है ना, अभी ये नरक तो बहुत कड़वा है। छी छी, बहुत मीठा तुम हो और मीठे बनेंगे, एकदम मीठे। ये सिर्फ तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है मधुबन। क्या कहा है? क्या तुम्हारे रहने का स्थान ये मधुबन नहीं है सिर्फ? फिर किसके रहने का स्थान है? अरे सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार यहाँ से होना है ना, तो सिर्फ तुम्हारे लिए स्थान है, हैं? सारे विश्व के लिए है ये वन है ना, क्या जंगल है,
वो जंगल है, ये वन है, उनका कोई महल थोड़े ही है। किनका? मधुवन वाले का कोई महल थोड़े ही है, ये भी क्या है? है वन है, तो मधुवन नाम दिया है। बेहद की वैराग्य वृत्ति मन वन, और बेहद की मधुर वृत्ति मन मधुवन, परंतु वन है। तुम बच्चियां सुनती हो, घर में भी किसको तुम दुख देंगे तो नाम बदनाम करेंगे कि ये तो वहां जाती है, जिनके लिए कहा जाता है कि तुम एकदम सबको सुख दो, सुखदाता है भगवान को सुखदाता कहा जाता है ना। ये तो देखो कितना क्रोध करते हैं, ये तो इनसे रूठ गया है, ये इनसे बात नहीं करते हैं, तो क्या कहें? क्रोध करते हैं, रूठ गया है, कोई से बात नहीं करते हैं, तो क्रोध है या नहीं है? क्रोध तो है। ऐसे ऐसे हमारी ब्रह्मा कुमारियां भी हैं, ब्रह्मा कुमार भी हैं, बहुत रूठते हैं, बात भी नहीं करते। कोई से रूठे तो उनसे बात नहीं करें, तो बाबा कहते हैं कि ये पुरुषार्थी हैं। अभी ये तुम्हारी महिमा अंत की है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, परंतु अभी तुम पुरुषार्थी हो, मैं जानता हूँ। खुद ब्राह्मण ही बहुतों को नाराज कर देती है, रूठ जाती है, कोई से रूठ जाती है तो ब्राह्मण ही उनसे बात ही नहीं करेगी। क्या ऐसे नहीं कि स्टूडेंट्स ही रूठ जाते हैं, जो निमित्त ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मणी है वो भी कोई जिज्ञासु से रूठ जाती है तो उनसे बात भी नहीं करती है। वो बात न करे वो दूसरी बात है, कौन बात न करे? जो पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो बात न करे, उसकी ग्रेड तो नीची है ना, तो दूसरी बात। परंतु ब्राह्मणी खुद भी किससे रूठती है तो उनको तंग कर देती है, उनसे बात नहीं करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो सारी दुनिया सामने है ना, ये सारी दुनिया खारी चैनल है, लून और पानी खंड का नाम नहीं है, तो लून और पानी और ये है खंड खीर, तो इतना मीठा बनना है। अच्छा बाप दादा मीठी मीठी जगदम्बा का मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। जगदम्बा किसको कहा जाता है? जगदम्बा की याद आ गई, तो जगदम्बा किसको कहा जाता है बताओ भाई? हैं? सारे जगत की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली को जगदम्बा कहा जाता है। अच्छा ओम शांति।